assalamu alaikum my uh, all viewers hope you are today we will discuss about the sentence and then we will also uh, elaborate the what is simple sentence and compound sentence and complex sentence all all topics these all topics are very important for your upcoming exams because we observe इन प्रीवियस एग्जाम्स ऑफ फीडरल पेपर ऑफ़ कमीशन कि ये तीनों जो सेंटेंस है इनका एक पाइवर्टल एंड वाइटल रोल रहा है इंग्लिश पोर्शन में जितने भी लॉस फेजेस हैं और इस्पेशली अगर बात करें हम टू ट्वेंटी ट्वेंटी के कुछ पेपर्स कस्टम्स के थे फीडरल फीडरल एफ बी आर के तो उसमें एक वेलविशन ऑफिसर का पेपर था और इसके अलावा एक इंटेलिजेंस ऑफिसर और इंस्पेक्टर कस्टम का पेपर था और रिमेंबर कि उसमें ट्वेंटी इंग्लिश के ट्वेंटी क्वेश्चन यानी जो इंग्लिश पोर्शन का होता है एमसीक्यूज़ का उसमें ट्वेंटी क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के और वो ट्वेंटी के ट्वेंटी सवाल इन तीनों सेंटेंस इन तीनों सेंटेंस पे कम्प्राइज थे उसमें थे सिंपल सेंटेंस कंपाउंड एंड कम्पलेक्स इट्स मीन अगर किसी भी एस्पायरेंट को अगर इन तीनों सेंटेंसेस के बारे में अवेयरनेस नहीं थी तो उसका पेपर फेल था फिर उसके बाद उसके बाद अगर कोई भी एस्पायरेंट अगर उन तीनों सिंपल कंपाउंड इनकम्परेक्स सेंटेंसेस के बारे में अगर उसके पास नॉलेज नहीं है और उसके अलावा रेस्ट ऑफ 80 परसेंट एटी आई क्यू जो होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो पेपर होता है अगर उसमें वो एस्पैरेंट 80 परसेंट मार्क्स ले लेता है लेकिन उसका <coughs> सॉरी उसकी सारी मेहनत जो है वो फ्यूठाल चली जाएगी क्योंकि इंग्लिश पोर्शन में आपको मैक्सिमम 50 परसेंट मार्क्स नहीं लेकिन फिफ्टी मार्क्स एनी आपने लेने होते हैं तो फिफ्टी परसेंट मार्क्स के लिए आपको इंग्लिश के तमाम ऑप्शंस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है जिसमें आपका स्नानम्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद स्नानम्स के मज़ीद मल्टीपल वीडियोस आपके साथ में शेयर करूँगा तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और हम अभी चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे सेंटेंस को कि सेंटेंस क्या है बेसिक चीज़ें हैं लेकिन कभी कभी हम इस चीज़ को ओवर कर लेते हैं हम इसको छोटा समझ कर पढ़ते नहीं तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ये सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं कि सेंटेंस है क्या सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इस कॉल सेंटेंस सेंटेंस किसको कहते हैं कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो ग्रामेटिकली उसमें कोई इरर ना हो ग्रामेटिकली उनकी जो प्लेसिंग ऑफ वर्ड्स हो प्लेसिंग ऑफ प्रपोजिशन हो प्लेसिंग ऑफ वर्ब हो कंजक्शन नाउन प्रो नाउन प्रॉपर हो और वो जो एक जब वो तमाम चीज़ें प्रॉपर होंगी तो वो एक ना वो प्रॉपर सेंस देंगी तो इसके लिए कि एग्ज़ाम्पल उसका क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है देन उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है वाब होता है ये तीनों चीज़ें उसमें ज़रूर होती हैं सेंटेंस इसको कहते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे न्यू बिगनर्स हैं उसके लिए है, ये ज़रूर उसको उनको पता होना चाहिए उसके बाद साथ, साथ फिर उसके बाद हम इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी एक सिंगल सिंगल वीडियो बनाएंगे तो ये हमारा है सेंटेंस लेकिन फर्दर हम पढ़ेंगे कि इस सिंपल सेंटेंस को क्या कहते हैं देखिए यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस क्या है सेंटेंस वैसे तो सेंटेंस है लेकिन सिंपल सेंटेंस की दे, उसमें तीन चीज़ें हुँ, ज़रूर होंगी एक तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा दूसरा उसमें वन प्रेडिकेट होगा और तीसरा उसमें एक कंप्लीट थॉट होगा और प्रेडिकेट क्या है तो ये एक वर्ब होगा या उसके साथ फ्रेजर वर्ब होता है वर्ब फ्रेजर वर्ब को प्रेडिकेट कहते है। हैं उसके अलावा कंप्लीट थॉट होगा यानी एक प्रॉपर कंप्लीट सेंस देगा सेंटेंस में जरूर याद रखिएगा एक सब्जेक्ट होगा वन प्रेडिकेट होगा कंप्लीट थॉट होगा उसको कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ था स्टूडेंट्स वन टू द्लास अब सब्जेक्ट क्या है द दूडेंट्स सब्जेक्ट वैन टू द्लास ठीक है ये क्या है प्रेडिकेट वेन टू द्लास यानी ए कम्प्लीट था इस तरह क्वेश्चन दूसरा एग्जाम्पल में आई डिड माई होम वर्क ऑन टाइम मैंने अपना काम मुकमल किया वक्त पर आई डिड माई होम शी लाइक्स पिज़्ज़ा शी लाइक्स पिज़्ज़ा लाइक्स पिज़्जा प्रेड शी सब्जेक्ट यानी देखें अगर इन द स्टूडेंट्स वेंट टू द क्लास आई जस्ट माई होम वर्क ए कम्प्लीट है तो ये है सिंपल सेंटेंस इसको आप जरूर देखिएगा यहाँ पर है हमारा है कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस क्या है जिस तरह सिंपल सेंटेंस में वन सब्जेक्ट था यहाँ पर भी सब्जेक्ट होगा सिंपल सेंटेंस में क्या था वन प्रेडिकेट था अब यहाँ पर टू और मोर देन टू क्लासेस क्या होंगे कंपाउंड में मोर और मोर देन टू क्लास होंगे लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होंगे दोनों डिपेंडेंट नहीं होंगे लेकिन क्या होंगे जो दोनों क्लासेस हैं दे विल बी कंजॉइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या हैं क्लास क्या है क्लास कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डे कंटेंट्स अ सब्जेक्ट ए एंड प्रेडिकेट उसको तो क्लास कहते हैं देखिए और उसके साथ साथ अब क्या है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दो क्लासेस चलो हमें समझ में आ गई एक सब्जेक्ट पे आ गया अब वो ज्वाइन कैसे होंगे ज्वाइन किसके साथ होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ होंगे अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए ना चाहिए मैं इसको आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ देखें ये एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है एग्जाम्पल क्या है द स्टूडेंट्स वेंट टू द क्लास यहाँ पर काम है उसके बाद बट डिट नाट गो टू प्ले ग्राउंड अब क्या है यहाँ पर दो क्लासेज ये दो सेंसेज दोनों कंप्लीट सेंस दे रहे हैं कंपाउंड का बेसिकली मतलब है कि दो चीज़ों को मिलाना अब देखें द स्टूडेंट्स वेंट टू द क्लास वहाँ पर गए बट दे डिड नॉट गो टू स्कूल लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए पहले खेलने के लिए यहाँ पर हमें एक कंप्लीट दोनों क्लासेज में एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है इससे पता चला होगा यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं और दोनों को किसी चीज़ ने कंजॉइन किया हुआ है ज्वाइन किया हुआ है वो है हमारा बट अब ऊपर हम पढ़ के आए हैं ये थ्री पर लगा हुआ क्लासेज आर ज्वाइन बाय कोआर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे कोआर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या हैं ये हैं कोआर्डीनेटिंग कंजक्शंस ये मैंने इनको एक ना एक या कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से नीचे मैंने कहा फैन बॉय लिखा हुआ है फैन बॉय आपको नजर आ रहा होगा तो फैन बॉय क्या है फैन बॉय मैंने एक शॉर्ट निकाला हुआ है शॉर्ट निकाला हुआ है इन चीज़ों का एक शॉर्ट फॉर्म है फैन बॉय ए से फॉर ए से एंड एन से नॉट बी से बट ओ से आर येट ये फैन बॉय यानी फॉर एंड नॉट बट आर दे आर जेट यानी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हैं और ये जॉइन करते हैं दो सेंटेंस को जैसे तरह हमने कहा दे दिवेंट टू दे टू द क्लास बट दे डिड नाट गो टू प्ले ग्राउंड यानी ये कंबाइन यानी फॉर फॉर भी ज्वाइन करेगा फर्दर फिर हम अगले, अगले अपने वीडियो में आपकी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करेंगे अभी हम सिर्फ हमको बता रहे हैं सिर्फ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए हमको शॉर्ट फॉर्म में बताएँ ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है आप इसको देखें याद करें इसको चलते हैं अब यहाँ पर हम आए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे हमने सिंपल पढ़ लिया हमने कंपाउंड पढ़ लिया अभी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंटेंस वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड अ डिपेंडेंट क्लास अब सिंपल में क्या था एक क्लास तक प्रेडिकेट था एक सब्जेक्ट था उसकी जो जो अपनी खसूसियत थी और कंपाउंड की क्या थी उसमें क्या था कि दो क्लासेस थे बोथ आर इंडिपेंडेंट लेकिन जॉइन हो रहे थे कैसे कोऑर्डिनेटिंग अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी और दूसरी आपकी डिपेंडेंट क्लास होगी और उसके बाद डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट विथ डिपेंडेंट जो क्लास होगी जो डिपेंड करेगी वो स्टार्ट होगी सब ऑर्डिनेटिंग सब ऑर्डिनेटिंग क्लास नहीं है सॉरी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ होगी ये यह यहाँ पर जो क्लास लिखा हुआ है टू के सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है अब यहाँ पर पहले तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हमने फैन बॉयज के साथ पढ़ा अब हम पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को सब ऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन क्या है अब यहाँ पर आपके सामने कहा द स्टूडेंट्स डिड नाट गो टू प्ले ग्राउंड ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास है फिर आगे शुरू होता है बिकॉज दे वेंट क्लास क्लासरूम अब यहाँ पर बिकॉज जो है ना ये दे वेंट टू दे वेंट टू क्लास रूम यहाँ पर ये डिपेंड करता है यानी ये जो जो डिपेंडेंट है नहीं, जो जो लास्ट सेंटेंस है ये डिपेंड करता है फर्स्ट के ऊपर वो वहाँ पर क्यों नहीं गए इसलिए नहीं गए कि वो इसलिए नहीं गए वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वो इस क्लास में इसलिए नहीं गए कि वो वो प्ले ग्राउंड इसलिए नहीं गए क्योंकि वो क्लास में गए थे तो ये डिपेंड बिकॉज और शी डिड नाट टेक टी बिकॉज शी टुक कोल्ड ड्रिंक बिकॉज शी कुल्डो ये डिपेंडेंट क्लास है और बिकॉज शी डिड नाट टेक टी तो देखिये यहां पर फिर क्या है आपको ये यहां पर यह बात क्लियर हो गई कि जो डिपेंडेंट क्लास होगी वह स्टार्ट किसके साथ होगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ, साथ. यानी इसका सिंपल इस अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कर तो जब भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो क्या होगा वो इनडिपेंडेंट क्लास होगा लिस्ट ऑफ टिंग कंजक्शंस आफ्टर है बिफोर है बिकाज है इफ़ है मेन है, सेंस है इफ है, है, अनलेस है वाइल है सो है डाइट है इवन है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लेकिन जब भी ये दो सेंटेंस के बीच में दो क्लास के बीच में आए तो इट्स मीन डेट इज़ आपका क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इसकी फर्दर हम इसको डिफाइन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह हमने आइडेंटिफाई करना है हम एक क्वेश्चन बनाएंगे एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी के और आप ब्रीफ करेंगे कि सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस और कंप्लेक्स सेंटेंस को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे एम का एक पेपर बनाऊँगा इन नेक्स्ट तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या है उसमें वन सब्जेक्ट होता है वन प्रेडिकेट होता है कंपाउंड्स क्या है कंपाउंड में आपका वन सब्जेक्ट टू क्लासेस होते हैं लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कंज, कंजक्शन के साथ वो ऐड होते हैं दो क्लासेस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ ऐड होते हैं आपके जो कंप्लेक्स uh, सेंटेंस होता है वो सबॉर्डिनेटिंग सबॉर्डिनेटिंग कंजेशन के साथ वो दो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट के सेंटेंस आपस में जॉइन होते हैं तो इसी तरह हम हम इन चीज़ों को आ, ईज़िली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये था आज हमारी छोटी सी एक वीडियो थी एक लेक्चर था तो होप कि आपको ये हमारी एक वीडियो बहुत हेल्पफुल प्रूफ होगा आपके लिए आप इसको ज़रूर देखिएगा और इसको लीनियंट नहीं लिएगा अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इफ़ यू आर गोइंग टू फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इवन आपके कंपोजिशन पेपर में भी ये चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है तो ये चीज़ें वंस आप याद करें थैंक यू अल्लाह हाफिज़